यार ग्रूमिंग में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बाल, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले सामने वाले की नजर होती है हमारे फेस पे, हमारे बालों पे। और अगर आपके बाल वहीं पे ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, रफ हैं, तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी खराब हो जाती है। वैसे आप बॉल्ड लुक भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वैसे यार देखो, वो हर एक पे अच्छा नहीं लगता है, और अगर आपको ज्यादा हेयर फॉल नहीं हो रहा है, आपके पास नॉर्मल थोड़े बहुत बाल झड़ते हैं, या फिर आपके हेयर रफ है, ड्राई है, तो आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो में उन चीजों को फॉलो करना जो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इन सब प्रॉब्लम्स को आराम से कंट्रोल कर लोगे। बट यार देखो, उससे पहले एक बात समझो, अगर आपके जेनेटिक्स में हेयर प्रॉब्लम है तो एक ना एक दिन आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी, बट आप इस सब को कंट्रोल कर सकते हो, स्लो डाउन कर सकते हो, क्योंकि आज मैं आपको वो होममेड रेमेडीज बताऊंगा जिन्हें आप अंडर 20 रुपीज, सिर्फ 20 रुपए में हेयर मास्क बना सकते हो आप, जिससे आप इन सब प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर लोगे और आपकी जो हेयर क्वालिटी है वो एकदम मस्त हो जाएगी। सो हे गाइस, दिस इज उज्ज्वल त्यागी फ्रॉम रोड टू एस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो तो आ जाते हैं अपने फर्स्ट हेयर मास्क की तरफ। अब इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको लेना होगा एक मैश बनाना, उसमें ऐड करना होगा आपको 1 whole egg, पूरा अंडा आपको ऐड करना होगा, साथ में 2 tablespoon मिल्क और 1 tablespoon ऑलिव ऑयल। इन सबको आपस में अपना मिक्स करना है आपको अच्छे से, और एक फाइन पेस्ट बन जाएगा। दैट्स इट, आपका हेयर मास्क रेडी। अब इस हेयर मास्क को आपको अपने बालों में जेंटली अप्लाई करना है, जोर जोर से रगड़ रगड़ के मत करना, बिल्कुल आराम आराम से करना है आपको। और अप्लाई करने के बाद 15 to 20 minutes का आपको वेट करना है, उसके बाद शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। तो चलो अब इस हेयर मास्क के कुछ बेनिफिट्स जान लेते हैं। जैसे जो बनाना है वो आपके हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, वहीं पे जो एग है वो एलिमिनेट करेगा डैंड्रफ को, साथ में आपके जो हेयर की ग्रोथ है उसको भी इम्प्रूव करेगा। मिल्क हेल्प करेगा आपके रूट्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में, वहीं पे जो ऑलिव ऑयल है वो हेल्प करेगा आपकी ओवरऑल नरिशमेंट। तो अब चलते हैं अपने सेकेंड हेयर मास्क की तरफ। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 4 tablespoon बेसन, 2 tablespoon कर्ड और 2 tablespoon ऑलिव ऑयल। इनको आपस में अच्छे से मिक्स करना है जिससे आपको एक फाइन पेस्ट मिले, एंड दैट्स इट, आपका हेयर मास्क रेडी। अब इस पेस्ट को जेंटली अप्लाई करना है अपने हेयर में, और अप्लाई करने के बाद आपको 15 to 20 minutes का वेट करना है, उसके बाद शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है। अब चलो इस हेयर मास्क से कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बेसन आपकी हेल्प करेगा हेयर ग्रोथ में, वहीं पे जो कर्ड है उसमें होती है एंटीऑक्सीडेंट एंड बेनिफिशियल बैक्टीरियाज जो फाइट बैक करने में हेल्प करेंगे आपकी स्कैल्प की इम्प्योरिटीज और डस्ट से। वहीं पे ऑलिव ऑयल का आपको पता ही है वो होता है नरिशमेंट के लिए हमारी हेयर। तो यार अब चलते हैं अपने थर्ड हेयर मास्क की तरफ। बट इससे पहले जो मैंने आपको 2 हेयर मास्क बताया वो आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे कि उसमें इतनी सारी चीजें मिक्स करनी है। खैर यार देखो, हर एक चीज का अपना अपना अलग अलग बेनिफिट है, आपको बता ही दिया है। अब मैं आपको एक ऐसा हेयर मास्क बताऊंगा जिसको बनाना काफी ईजी है, और ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है जिन लोगों के लिए ड्राई हेयर है, जो ड्राई हेयर की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जी हाँ, और आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए इस हेयर मास्क को बनाने के लिए, वो है एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल आप मार्केट से भी ले सकते हो, या फिर आपके घर पे ही एलोवेरा है तो बहुत बढ़िया, वहीं से फ्रेश एलोवेरा जेल निकाल लो। अब आपको उसके जेल को अच्छे से ब्लेंड करना है जिससे आपको एक फाइन पेस्ट मिल जाए, एंड दैट्स इट, आपका हेयर मास्क रेडी। अब इस हेयर मास्क को आपको जेंटली अपने बालों पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 30 to 40 minutes का वेट करना है, उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश करना है, एंड दैट्स इट, आपके बाल एकदम स्मूथ और मस्त हो जाएंगे। बाकी स्क्रीन पर आपको इस हेयर मास्क के बेनिफिट्स दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो। वैसे तो आपको ये हेयर मास्क बहुत नॉर्मल लग रहा होगा क्योंकि एक ही चीज है, बट ट्रस्ट मी गाइस, जब आप इस हेयर मास्क को यूज करोगे तो आपको डिफरेंस अपने आप ही दिख जाएगा। अब चलते हैं अपने फोर्थ हेयर मास्क की तरफ, वो भी थर्ड वाले की तरफ। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको लेना है एक मैश बनाना और उसमें ऐड करना है 1 tablespoon ऑलिव ऑयल, आपस में अच्छे से मिक्स करना है, एक फाइन पेस्ट बनाना है आपको, एंड दैट्स इट, आपका हेयर मास्क रेडी। अब इस हेयर मास्क को आपको जेंटली अपने बालों पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 15 मिनट्स का वेट करना है, उसके बाद शैम्पू से आपको अपने हेयर को वॉश कर लेना है, और बस आपका काम खत्म। बाकी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे इस हेयर मास्क के बेनिफिट्स, आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने फिफ्थ हेयर मास्क की तरफ। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको एक 1/2 cup वाटर लेना है, उसमें आपको ग्रीन टी का बैग डिप करना है। 1/2 cup से ज्यादा मत लेना, 1/2 cup से ज्यादा नहीं लेना है आपको, नहीं तो आपका हेयर मास्क काफी पतला बन जाएगा, आपके बालों पर अच्छे से सेटल नहीं होगा। और वाटर का ध्यान रखना कि वार्म वाटर लेना है, उसमें ही आपको ग्रीन टी का बैग डिप करना है। अब कूल डाउन होने का वेट करना, उसके बाद 1 egg yolk उसमें ऐड करना है, अच्छे से उन्हें आपस में मिक्स करके एक फाइन पेस्ट बनाना है, एंड दैट्स इट, आपका हेयर मास्क रेडी। अब इस हेयर मास्क को अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बालों को थोड़ा सा वेट करके रखना है, उसके बाद इस हेयर मास्क को अप्लाई करें, 2 से 3 घंटे का वेट करना है। और हाँ, अप्लाई करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि टॉवल से अपने बालों को कवर कर देना है,
जिससे अंदर मॉइस्चर लॉक रहे, और 2 से 3 घंटे के बाद आपको शैम्पू करके अपने हेयर को वॉश कर लेना है। बस आपको अगर ऐसे बेनिफिट्स दिखे, आपको दिखे कि ये सूट कर रहा है ये हेयर मास्क आपको, तो आप महीने में एक बार इस हेयर मास्क को ट्राई कर सकते हो। बाकी आपको स्क्रीन पे बेनिफिट्स दिख रहे होंगे इस हेयर मास्क के, आप ये भी देख सकते हो। तो अब चलते हैं अपने लास्ट और 6th हेयर मास्क की तरफ। अब इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक मैस्ट बनाना, उसमें ऐड करना होगा आपको 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, और आप 1 टेबलस्पून मिल्क भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपको एक क्रीमी पेस्ट मिले, और उसको आपको एक फाइन पेस्ट बना लेना है, एंड दैट्स इट, आपका हेयर मास्क रेडी। इस हेयर मास्क को अप्लाई करने के बाद आपको 30 मिनट्स का वेट करना है, और इसमें भी आपको टॉवल से अपने बालों को रैप कर लेना है जिससे आपके अंदर मॉइस्चर लॉक रहे, आपके बालों में मॉइस्चर लॉक रहे, और 30 मिनट्स के बाद शैम्पू से आपको जेंटली अपने हेयर को वॉश कर लेना है, और बस आपका काम खत्म, आपके हेयर की क्वालिटी एकदम इंप्रूव हो जाएगी। बाकी आपको डिस्प्ले में दिख रहे होंगे इसके बेनिफिट्स, आप वो भी देख सकते हैं। अब आपको इतने सारे हेयर मास्क बता दिए, आप इनमें से कोई भी हेयर मास्क ट्राई कर सकते हो, या फिर आप सारे ही हेयर मास्क ट्राई कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि बारी बारी हेयर मास्क ट्राई करना है, रेगुलर मत करना आप, और मेरी मानिए तो वीक में मिनिमम एक बार ही आपको हेयर मास्क अप्लाई करना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर